Why they become Muslim? Murad Wilfred Hoffman, ambassador of Germany to Algeria and Morocco, director of information at NATO, accepted Islam in 1980, passed away in 2020. Mr. Murad Hoffman, जिनका ताल्लुक जर्मनी से है और ये एम्बेसडर रहे जर्मनी के लिए अल्जीरिया और मोरक्को में और नाटो के इंफॉर्मेशन डायरेक्टर रहे हैं, इन्होंने 1980 में इस्लाम कबूल किया और अभी हाल ही में तकरीबन एक साल पहले 2020 में इनका इंतकाल हुआ. व्हेन आस्क्ड टू शेयर द रीज़न for his conversion to Islam, the former diplomat explained in his unique style. जब उनसे पूछा गया कि आपने इस्लाम क्यों कबूल किया तो साबिक डिप्लोमेट ने अपने यूनिक एक ख़ास तरीके पर जवाब दिया. If a man or a woman can explain why he she has fallen in love, then it is not love. कहने कि अगर एक मर्द या औरत से कहा जाए कि वो एक्सप्लेन करे कि वो प्यार में कैसे आए, किस तरीके से वो प्यार के अंदर गिरफ्तार हुए, तो then it is not love. तो ये लव नहीं है. सिमिलरली आई कैन नॉट पिन पॉइंट एनी सिंगल इंसिडेंट एनकाउंटर एंड सडन अवेकनिंग दैट लीड टू माई बिकमिंग ए मुस्लिम. तो आई कैन नॉट एनकाउंटर सडन अवेकनिंग, तो जो एक अचानक से एक मामला सामने आया और एक एक तरीके से जागरूकता पैदा हुई जिसने मुझको इस्लाम की तरफ रागिब किया. यस, माई डिप्लोमेटिक पोस्टिंग टू मुस्लिम कंट्रीज एंड माई रीडिंग्स ऑफ इस्लामिक लिटरेचर ड्यूरिंग दोज ईयर्स एंड माई एक्सपीरियंस विद माई मुस्लिम ब्रदर्स एंड माई फ्रेंडशिप विद ब्रदर मोहम्मद असद लियोपोल्ड वेस, हुज ट्रांसलेशन ऑफ होली कुरान इज़ वेल नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड, डिड असिस्ट मी इन सीइंग द लाइट, ही एडेड. इन्होंने मज़ीद बतलाया कि इन बहुत सारी वजूहात के अंदर, एक तो ये कि वो मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर जो है डेवलपमेंट डिप्लोमेट भी रहे हैं और इस्लामिक लिटरेचर की स्टडी भी की है, और उसके अलावा जो मुस्लिम लोग थे उनसे मिलना जुलना भी रहा है, और उसके अलावा इनकी दोस्ती एक शख्स जिसका नाम मोहम्मद असद, लेकिन वो उनका फॉर्मर नेम लियोपोल्ड वेस था, जिसने कुरान शरीफ का तर्जुमा किया और जो वेरी फेमस मशहूर मारूफ तर्जुमा है, तो इन्होंने वो तर्जुमा भी पढ़ा. उन तमाम वजूहात की कह सकते हैं कि उन तमाम वजूहात को इकट्ठा करें तो ये तमाम वजूहात इनके इस्लाम लाने में मावन साबित हुई हैं. ये रेफरेंस है वाशिंगटन रिपोर्ट ऑन मिडिल ईस्ट अफेयर्स अक्टूबर 1996. दैट्स मुराद हॉफमैन. और इनका एक और स्टेटमेंट मैंने पढ़ा था इन विच ही सेड दैट द मुस्लिम शुड एक्सप्लेन प्रॉपरली अमंग यूरोपियंस देर इज़ गैप, दैट्स हाउ टू एक्सप्लेन यूरोपियंस अबाउट इस्लाम, देर इज सम डाउट्स अमंग दियर माइंड्स, सो दिस डाउट शुड बी रिमूव इन फ्रंट ऑफ यूरोपियंस. So there is possibility that Europeans will come towards Islam. इनका कहना था कि जो
यूरोपियंस के जहनों के अंदर एक शक बैठा हुआ है, उस शक को दूर करने की ज़रूरत है। और गालिबन यूरोप के लोग जो हैं इस्लाम की, अगर वो उस शक को दूर कर दिया जाए तो इस्लाम की तरफ रागिब होंगे। थैंक यू, बाय।